ओके okay, अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अप हो रहा है अभी हम ऐसे सम गिन रहे हैं कि जिसमें सेकंड स्टेप में टू नहीं है राइट right? अगर सेकंड स्टेप में ये दिस इज द सम ऑफ सर्ड इसमें ऐसा साइन है ऐसा हमें मान लेना है क्योंकि ऊपर बोल दिया है कि सर्ड फाइंड आउट करना है नाउ सेकंड स्टेप में टू नहीं है अगर सेकेंड स्टेप में टू नहीं है तो क्या करना है तो सेकेंड स्टेप में टू लिख दो और रूट के अंदर डी नोम ना वॉट इज न्यूमिनेटर वीनोमिनेटर अगर वन अपॉइट टू है तो उसमें ये न्यूमिनेटर है ये डी नोमिनेटर है और डी नोमिनेटर में फोर लिखना है ये रूल आपको याद रखना है ठीक है ये हम सपोज कर ले जो हम पहले कर रहे थे उसी तरह इसमें बीच में माइनस साइन है तो हम सपोज कर रहे रूट एक्स माइनस रूट वाई नाउ ये डिनोट ऑफ फोर लिख दिया ना वो आगे की तरह कंडीशन बनानी है कंडीशन जो बना बनाते थे वही है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो फ्रैक्शन में है राइट right? प्लस करो तो टू चाहिए और मल्टीप्लाई करो थ्री अपॉन फोर चाहिए ना ये दोनों कंडीशनल नंबर ये कंडीशन के हिसाब से नंबर फाइंड आउट करना उतना ईजी नहीं है जितना सेकंड स्टेप में टू वाले में था ओके ठीक है तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी पूरी जो प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ ये प्रोसेस समझ नहीं आए तो इट्स नॉट दी मैटर ऑफ टेकिंग टेंशन बिकॉज थर्ड लेसन

इक्वेशन के रूल इसमें आप लोगों को पता होने चाहिए इक्वेशन के रूल क्या है तो इक्वेशन के रूल में चार रूल है फर्स्ट रूल इज इक्वल टू की ये साइड माइनस है वो साइड जाएगा तो प्लस ये साइड प्लस है वो साइड जाएगा तो माइनस ये साइड डिवाइड है वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई ये साइड डिवाइड है वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई ये साइड मल्टीप्लाई है वो साइड जाएगा तो डिवाइड तो ठीक है नाउ इधर हम माइनस माइनस ये माइनस एक्स हो गया इस साइड आया तो अभी ये साइड भी वाई को अला कर देंगे ये साइड जो एक्स इंटू वाईज टू थ्री फोर अभी ये एक्स का जो रिलेशन है वाई के साथ दैट इज द मल्टीप्लाई और ये साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवाइड में हो जाएगा दैट्स फोर एक्स अभी इसको रिजल्ट वन बोलेंगे इसको रिजल्ट टू बोलेंगे अभी जो रिजल्ट वन है उसमें वाई की जगह रिजल्ट वन जो है उसमें वाई की जगह हम लिख देंगे थ्री अपॉन फोर एक्स थ्री अपॉन फोर एक्स दैट आई विल राइट समथिंग लाइक दिस दैट थ्री अपॉन फोर एक्स ये टू माइनस एक्स उसी तरह लिखेंगे ये फोर एक्स ये सेड आ जाएगा ना ये फोर एक्स जो है वो किसके साथ है ये फोर एक्स दोनों के साथ है इट इज विथ टू एंड इट इज ऑल्सो विथ एक्स So So it's with two and it's with with and x. So four to the eight, that's eight x. that's x into x, four x square. Now you might think कहाँ से आया तो मैंने basic videos अगर आप लोगों ने नहीं देखे basic math folder के अंदर video रखे गई है अगर वो नहीं देखे तो you just look at that first. Now उसमें क्या है कि अगर base same हो तो बीच में multiply का sign हो तो degree का plus होता है four ऐसा क्या ऐसा एक्स रेस्टून तो डिग्री का प्लस एक्स टू वन प्लस हम इक्वल टू के एक साइड सब लेते हैं ये फोर एक्स है वो ये साइड आ जाएगा ठीक है तो प्लस फोर एक्स स्क्ट एक्स एट एक्स का कुछ साइन नहीं है ये प्लस एट एक्स है ये साइड आया तो माइनस एट एक्स और ये थ्री 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 इज प्लस बिकॉज वो इक्वल टू की लेफ्ट साइड था दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू दिस इज राइट साइड ऑफ इक्वल टू तो ये तो लेफ्ट साइड ही है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसका साइन वो का वो ही रहेगा ठीक है अभी कंडीशन क्या बनानी है ये क्वांटेटिक इक्वेशन हो गया दो डिग्री वाले को हम क्वांटेटिक इक्वेशन बोलेंगे तुम्हारा फोर्थ चैप्टर पूरा क्वांटेटिक इक्वेशन है उसमें डीप में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है न फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री दैट गिव ट्वेल्व तो हमें मल्टीप्लाई करो तो ट्वेल्व एंड प्लस करो तो एट दैट्स माइनस एट इसे पार्टीशन करने हैं अभी इसमें अगर टीम समझ में नहीं आती है तो हमें क्या करना है ट्वेल्व के स्मॉलेस्ट पार्ट कर देने दैट्स टू सिक्स ट्वेल्व टू थ्री सिक्स एंड थ्री वन झा थ्री नो इसमें से आई थिंक दिस थ्री एंड दिस नो दिस थ्री नो 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 दिस सिक्स राइट अभी देखो इसमें क्या होगा बेसिक वीडियो देख लो तो ज्यादा समझ आएगा बेसिक वीडियो में ये मैंने डीप में, में एक्सप्लेन किया होगा इसी देखो ये माइनस सिक्स प्लस माइनस साइन एक साथ हो गई तो प्लस माइनस माइनस ना ये टू है टू है राइट नहीं

यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा था वो मैंने डिस्प्ले कर दिया फोर एक्सर उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस में से कॉमन अभी कॉमन लेने में क्या करना है कोई कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे कॉमन लेने में समझ नहीं आता जिसके स्मॉलेस्ट पार्ट कर दो फोर का टू टू सा फोर ठीक है एक्स का मतलब दो बार एक्स एक्स इंटू एक्स एंड ये सिक्स एक्स के भी पार्ट कर दो इट्स माइनस टू इंटू थ्री सिक्स इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस टू इंटू थ्री विध दो में कॉमन है राइट right? तो यहां पे हम लिख देंगे टू एंड दोनों में एक्स एक्स भी कॉमन है यू कैन सी दोनों में एक्स एक्स कॉमन है तो ये टू गया टू गया एक्स गया एक्स गया, गया. रिमेनिंग क्या है ऊपर टू एक्स नीचे क्या रिमेनिंग है थ्री एंड माइनस साइन सो माइनस थ्री राइट सो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जो रिमेनिंग है वो अभी ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा दैट्स वेरी इजी टू फाइंड क्या करना है पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से इसको डिवाइड कर देना टू एक्स को टू एक्स से डिवाइड करना है इट विल बी कैंसल्ड एंड इट विल अस वन यानी कुछ कॉमन नहीं है वी विल राइट वन ओ दैर ओके सो हियर वी विल राइट वन एंड अभी प्लस था माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है अभी टू एक्स माइनस थ्री एंड टू एक्स माइनस वन दोनों के बराबर जीरो माइनस वन ये साइड गया प्लस वन माइनस थ्री वो साइड गया प्लस थ्री ये टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में ये साइड आएगा तो डिवाइड ये साइड आएगा तो डिवाइड तो, तो ये दो पार्ट अभी तो मुझे मिले दिस इज नॉट दि सोल्यूशन दिस इज वॉट आई गॉट दि पार्टीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये कंडीशन है कि प्लस कर दो तो ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करते उसके हिसाब से मुझे पार्ट मिले ना देख लेते हैं ये सही पार्ट है कि नहीं मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई थ्री अपॉन टू एंड अपॉन फोर एंड वी नीड थ्री अपॉन फोर इन इट राइट प्लस करो तो हमें टू चाहिए लेट मी प्लस इट वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू नाउ ये दोनों का प्लस है तो एल्शियम लेना है टू टू एल्सियम टू होगा ठीक है इट विल बी समथिंग लाइक दिस टू को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा वन तो हियर ऑल्सो वन

टू फाइव जा टेन यानी ये फाइव है टू टू जा फोर यानी ये टू है तो ये हो गया सेवन दूसरी बात ये नीचे दोनों में टू है यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा टेन प्लस टू डायरेक्ट टेन प्लस टू नीचे टू लिख दो दैट्स ट्वेल्व अपॉन टू एंड दैट्स सिक्स सॉरी दैट्स दैट्स Sorry, 10 4 है राइट टेन प्लस फोर फोर सो टेन प्लस सेवन तो ये सेवन ये सेवन मैचिंग हो गया यानी डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का प्लस करके नीचे कॉमन टू लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं हो सकता मल्टीप्लाई में फोर हो जाता आई थिंक यू अंडरस्टूड इट नाउ हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई उसमें से बड़ी वैल्यू हमें ये पहले लिखनी है और छोटी वैल्यू बाद में लिखनी है सो हियर आई गॉट टू नंबर्स दैट्स थ्री अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू नाउ वट इज द प्रॉब्लम दैट डी नोमिनेटर सर्ट के कोई भी सम में डी नोमिनेटर और इ नंबर नहीं होना चाहिए और ये जो रूट टू है दैट वी नो इ नंबर हमने कैलकुलेटर पे आई थिंक फाइंड आउट करके मैंने दिखाया था लेट सी अगेन दैट टू और उसका रूट ले लो तो दैट विल गिव अस इेशनल नंबर एंड दट इेशनल वी डो नॉट वॉन्ट इन डी नोमिनेटर सो इन दैट केस वॉट वी विल डू इन दैट केस हम ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नाउ किससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू से तो so, क्या हो जाएगा दैट्स रूट थ्री इंटू रूट टू नाउ इट विल बी रूट सिक्स सेम वे रूट टू इंटू रूट टू रूट फोर रूट टू रूट वन इंटू रूट टू रूट टू एंड रूट टू इंटू रूट टू रूट फोर नाउ मैंने आगे भी समझाया था एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो आंसर पर कोई डिफरेंस नहीं आता जैसे वन अपॉइंट टू है मैं वन को टू से डिवाइड कर रहा हूं ठीक है अभी इधर जीरो पॉइंट और इधर जीरो आ जाएगा क्योंकि ये वन तो टू के डेवलप में आएगा टेन आंसर जीरो पॉइंट फाइव अभी ऊपर नीचे में थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थ्री थ्री से तो विल बिकम थ्री अपॉन सिक्स थ्री वन जै थ्री थ्री टू सिक्स अभी मैं सिक्स को थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी थ्री को सिक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि थ्री ऊपर है 3 को सिक्स डिवाइड कर रहा हूं so थ्री so तो पॉइंट से मल्टीप्लाई भी डिफरेंस नहीं आता है तो इधर नीचे से मुझे रेशनल नंबर लाना इरेशनल हटाना है तो रूट टू रूट टू से कर दिया और कोई नंबर से करते तो, तो भी चलता लेकिन वी हैव टू फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आंसर आ सकता है सो दैट्स रूट सिक्स अपॉइंट टू रूट टू टू ठीक है इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा लिख सकते हैं दिस इज वॉट इज माई आंसर आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट सम एंड यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट बट एक्चुअली यू वैन यू प्रैक्टिस इट मोर एंड वैन यू विल लर्न फोर्थ लेसन क्वाटेट इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थर्ड लेसन यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी वेरी इजी इन नेक्स्ट पेज वी हैव सेम काइंड ऑफ सम जिसमें सेकंड स्टेप में टू नहीं है तो उसमें डिफरेंस कुछ नहीं है उसमें टू माइनस रूट थ्री था इसमें टू प्लस रूट थ्री है यू ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करो अगर नहीं समझ आता है तो आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो इन विच सॉल्यूशन विल बी अवेलेबल इसका सॉल्यूशन उसमें होगा एंड यू कैन सी वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स एंड वेयर यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड आउट योर लिमिटेशंस बाय योरसेल्फ ओनली थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो